हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 6वीं की, हमारा अतीत को देख रहे हैं। ठीक है, किताब का नाम है हमारा अतीत फर्स्ट। इसमें पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट अध्याय, क्या कब और कहाँ और कैसे। ठीक, रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक कुर्सी पर पड़ी। 100 साल पहले यह सोचने लगी कि 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? याद रखना है आपको, इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है। बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई है कक्षा 8वीं तक की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, सभी बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई। तो एक दो बार सुनिए लेक्चर को या किताब को पढ़िए, अपने आप आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहानी की तरह पढ़ना है सिर्फ। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेटकों, शिकारियों, अखेटक का अर्थ है यहाँ शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। ठीक है, लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यह यहाँ रहने वाली आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पाद का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट मतलब शिकार भी करते थे। ठीक है, अब तुम, ये है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है और आपकी ये अरब सागर में गिरती है, खंबात की खाड़ी में। ठीक है, देख लेते हैं, अभी थोड़ा ऊपर देख लें। अब कुछ उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाइए। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना है आपको। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ है, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया है। वे स्थान विंध्य के उत्तर में है। ये आपका उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र। ये आपकी किरथर सुलेमान और ये है आपकी काबुल नदी। ये सभी पाकिस्तान में है। ठीक है, ये आपका पाकिस्तान प्रांत है, पहले एक ही हुआ करते थे वो महाद्वीप में सब। ठीक है, ये आपकी याद रखना, यही आपकी झेलम नदी है, चेनाब नदी है और रावी नदी है। ये आपकी सतलज नदी है और ब्यास नदी है। ठीक है, ये आपका थार मरुस्थल है, कुछ भार इसका पाकिस्तान में है, कुछ इंडिया में है। ठीक है, ये आपका हिमालय है पूरा, यहाँ से हिमालय यहाँ तक हिमालय है। ठीक, यहाँ आपकी तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी है, एक गंगा में मिलके बांग्लादेश है। ठीक है, अब करंट की बात कर रहा हूँ, पहले तो पूरा उपमहाद्वीप था। यहाँ आपका नेपाल है, ये आपका भूटान है, ये आपका म्यांमार है। ठीक है, तो ये गंगा आपकी उत्तराखंड से निकलती है और ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आपकी महानदी है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा, यमुना, चंबल और सोन गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है,
ये आपकी विंध पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश के पास, सतपुड़ा, सतपुड़ा है याद रखना है, सतपुड़ा रेंज है जो नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। ताप्ती नदी भी आपकी मध्य प्रदेश से ही निकलती है और अरब सागर में मिलती है। गोदावरी नदी आपकी ये बंगाल की खाड़ी मिलती है। कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में, पिन्नार नदी ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये आपका पश्चिमी घाट है, इसे आप पश्चिमी घाट बोलते हैं, इसे पूर्वी घाट बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप है, ये आपका श्रीलंका है, पाक जलडमरू द्वारा अलग होता है, ठीक है। श्रीलंका, यहाँ आपकी लक्षद्वीप है, यह आपका अरब सागर है, देख लिया है, ठीक है, ये याद रखिए, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों को पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी झील में, सॉरी एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। सहायक नदियां वो होती हैं जो छोटी छोटी नदियां होती हैं और बड़ी नदी में मिल जाती हैं, उन्हें ही सहायक नदियां कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में लगभग नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा और इसकी सहायक नदियां, गंगा तथा इसकी सहायक नदियां सोन का पता लगा। गंगा के दक्षिण में इस नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार कहलाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। दक्षिण एशिया था ये मानचित्र में जो देखा है, इसमें आधुनिक पाकिस्तान था, भारत वही था, बांग्लादेश था, नेपाल, भूटान और श्रीलंका आता था, ठीक है, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है, ठीक, पड़ोसी देश थे अपने। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा था, लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्री पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रया उपमहाद्वीप कहा जाता था, ठीक है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से के से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की, कभी की भी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान और नदियों, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में भी, कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, एक बार फिर से मानचित्र एक को देख लेना। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इस सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। और महाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे, ठीक है। देश के नाम, अपने देश के लिए प्रया इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से लिया गया है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, याद रखना इस पॉइंट को। इंडिया शब्द है जो आपका इंडस से लिया गया है, जिससे सिंधु संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भू
भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, तो याद रखें, ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूभाग था उसे इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह में उल्लेख संस्कृति की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, लगभग 3500 वर्ष पुराना। ताम पत्तों से बनी पांडुलिपि का एक पेस्ट ये। ठीक है, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांधा दिया जाता है। भोज पेड़ की छाल से बने ऐसी ही एक पांडुलिपि को यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यह याद रखिए, पहले क्योंकि किताब तो कॉपी थी नहीं कि उस पर लिख सकते थे, इसलिए ये लोग क्या करते थे, ताड़ के पत्तों को काटकर उस पर लिखा करते थे। ठीक है, अतीत के बारे में कैसे जाने? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द। लेटिन शब्द है मैनू, जिसका अर्थ होता है हाथ है से निकलना। ये पांडुलिपियां फ्रेया ताड़पत्तों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। फ्रेया ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताएं व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे इस समय। ठीक, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें और पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिसमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण की को उत्कीर्ण कराया। उदाहरण के लिए, शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। ठीक, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान कंधार में है। ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है जो वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। ठीक है, अध्याय 8 में पढ़ेंगे अशोक के बारे में। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरामाई नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में, जैसे हमारी हिंदी भाषा हो गई और देवनागरी लिपि हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या कठिनाइयां आती हूँ? इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्द नष्ट होने वाले होते हैं। देखिए ये मटका है जैसे। ठीक, बाएं चित्र इस तरह के पात्रों का उपयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। ठीक,
इस तरह सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में ऐसा सिक्का भिन्न था। ठीक है, पुरातत्व जानवरों हड्डियों जानवरों चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों और अभिलेखों तथा पुरातत्वों से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रयास स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं हम लोग जो अतीत का अध्ययन करते हैं, जो बीत गया उसका जो अध्ययन करते हैं उसे हम लोग इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होने होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। हम इतिहासकार पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक, क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषकों का जीवन, राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन, शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, जैसा कि हम आज भी देखते हैं। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती थी, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब क्या है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म वर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यह 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 200 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसवी ईसा पूर्व ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं। यहाँ सिंपल भाषा में आपको समझा दें, ये है, ये लाइन दिख रही आपको, इस दिन हुआ है ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह को छोड़िए, हमारा ले लीजिए, चाहे अपना ले लीजिए, जन्मदिन हुआ है। हमारे जन्म से पहले पहले इस तरफ जाएंगे तो ईसा पूर्व बोलेंगे हम ऐसे, और ऐसे इस तरफ हमारे जन्म के बाद अभी जैसे आएंगे तो इसे बोलेंगे ईसवी। ठीक, याद रखना है। तो ईसा के जन्म के पूर्व को ईसा पूर्व बोलते हैं और ईसवी बोलते हैं ईसवा ईसा मसीह के जन्म के बाद को। ठीक है, याद रखना है आपको। इसे ईसा पूर्व को बीसी बोलते हैं, ईसवी को एडी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए। इतिहास की बात करें तिथियों की, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसवी ईसा पूर्व का तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है, कभी कभी तिथियों से पहले एडी हिंदी में ई लिखा पाते हैं। यह इनो एनो डोमिनी नामक दो लेटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह सी, याद रखना है, एडी की जगह सी और बीसी की जगह बीसी का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के स्वरूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था।
कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले के लिए। याद रखिए, इसीलिए हमें कक्षा छठवीं की जरूरत होती है पढ़ने की, कक्षा छठवीं की जो भी बुक्स होती हैं, क्योंकि हमारा एक जैसे कोई बच्चा होता है तो उसे पहले अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, क्योंकि उससे उसकी जानकारी थोड़ा मजबूत हो, नींव रख जाए, इसीलिए हम लोगों को थोड़ी नींव रख जाती है, ठीक है, बेस तैयार हो जाता है हमारा। अब आप ही बताओ, कोई बिल्डिंग आप खड़ी कर रहे हैं, मकान खड़ा कर रहे हैं, महल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उसकी नींव है जो, नींव है जो, वो मजबूत ना हो तो कितने दिन टिक सकेगी, बताइए। तो इसीलिए हम लोग नींव तैयार कर रहे हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे, इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए हैं। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा, भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान ऐसे यह कैसे जान पाते क्या लिखा है, इसका पता अज्ञात लिपि का निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपियों को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5,000 वर्ष पूर्व यहाँ रानी रानी राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा था। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख तीन भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों, यूनानी और मिस्र लिपि के दो प्रकारों में से मैं कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए, इसे कालतूस कहा गया। इससे बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अलग बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों के समानार्थक ध्वनियों की पहचान की है। जैसा तुम देख सकते हो कि यहाँ ऊपर, ठीक है, एल एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने देख लिया है यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहास का स्रोत, अज्ञात लिपि, अर्थ निकालना, ठीक है, ये सभी जान चुके। कुछ तिथियां हैं, कृषि का आरंभ हुआ 800 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर था 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी के नगर नगर मगध का बड़ा राज 2500 ईसा पूर्व में, प्रश्न है ये नहीं देख लेना, ठीक है, सॉल्व करते रहना। ये कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है, नहीं भी देख लेना, ठीक है, टेलीग्राम पर हम इस किताब को डाल देंगे तो वहीं से देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी, पहला अध्याय देख ही लिया हमने हमारा अतीत का, ठीक। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने बात की है, हमारा अतीत का पहला चैप्टर था क्या, कब और कहाँ और कैसे प्राप्त हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब देख लिया। आगे हम लोग बात करेंगे आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादकता का जो समय है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक।